स्वर्ण। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो एक पाषाण की भांति होता है, ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूषण के रूप में स्वयं के शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे लंबी यात्राएं करनी होती हैं, उस पाषाण को पिघलना होता है, सुनार के हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छाट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। बचाओ, 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 मैं तेरा अंत कर दूंगा। जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं इस द्वारिका का भविष्य सांब। ये क्या दशा बना रखी है सांब? दिन प्रतिदिन तुम्हारा व्यवहार अशुभनीय होता जा रहा है, संभालो स्वयं को। ताऊश्री, मुझे समझाने से पूर्व अपने छलिया भ्राता को समझाइए, जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मेरे ससुर के कुल का नाश कर दिया। क्या वो शोभनीय था? अपने पिता के लिए ऐसा भाव पाप है। पाप तो आपके भ्राता ने किया है, मैं तो केवल मदिरा पान कर रहा हूं। संभालो अपने आप को, एक योद्धा को यह सब शोभा नहीं देता। कैसा योद्धा ताजश्री, जिसके हाथ से तलवार छीन ली गई हो, जो अपने मित्र विश्वसेन की सहायता करने का वचन पूरा ना कर सका हो, उस मनुष्य को आप योद्धा कहते हैं? जब युद्ध करने का समय था तो युद्ध नहीं करने दिया, अब इस अपमान को गले से निकलने के लिए इस मदिरा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कृष्ण पुत्र हो। नहीं हूं मैं, नहीं उस छलिया का पुत्र, वो केवल मेरे लिए एक छलिया है, केवल एक छलिया। सांब, आइए 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 द्वारिकाधीश, आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। लौट आए आप, करा इस आर्यव्रत के सभी महारथियों का अंत, कराए धर्म स्थापना के नाम पर अपना पलड़ा भारी। अब अरे अच्छी, आप देख क्या रहे, स्वागत नहीं करेंगे इनका? इतना महान कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज लौटे हैं, आज तो राजभवन में उत्सव होना चाहिए। पांचाल, काशी, मगध, छेदी, सभी महाजनपदों के महान शासकों का अंत करवा डाला सिर्फ धर्म स्थापना के नाम पर। अब क्या बचा पूरे भारत वर्ष में? पूरे भारत वर्ष में सिर्फ दो महान राज्य, पहला द्वारिका, दूसरा हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर का महान शासक धर्मराज युधिष्ठिर पहले से ही अपने चारों भाइयों के साथ
इनके तलवे चाटता है। बधाई हो, बधाई हो वासुदेव, बधाई हो। आप अपने उद्देश्य में सफल हुए, जीत गया द्वारिका महाभारत, परंतु आपने भी मूल्य कुछ कम नहीं चुकाया। हमारी सात औक्षणी सेना का अंत करवा दिया। क्या मिला आपको हमारे वीर सैनिकों का अंत करवा कर? क्योंकि आपने उन सैनिकों ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था सांब, युद्ध लड़ा, अनेकों को मारा और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने तो स्वर्ग की सीढ़ियां पा ली सांब, परंतु तुमने अपने साथ क्या किया है पुत्र? तुमने तो स्वयं के जीवन को ही नरक बना डाला है। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मणा को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे, तो क्यों नहीं बचाया अपनी सेना को? क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का सांब, केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका तो केवल आपके कारण। आपने रोका था मुझे। मैंने तुम्हें रोका नहीं था सांब, केवल विकल्प दिए थे। विकल्प? विकल्प यार, मैं आपने मुझे भयभीत किया था। भयभीत नहीं किया था सांब, मैंने केवल तुम्हें यदुवंशी के नियम स्मरण करवाए थे कि यदि नारायणी सेना परास्त होती तो उसके साथ नारायणी सेना का सेनापति अपनी उपाधि खो देता है। विकल्प मैंने अर्जुन और दुर्योधन को भी दिए थे। दुर्योधन ने युद्ध करना चुना और अर्जुन ने धर्म स्थापना, और तुमने तुमने युद्ध में भाग ना लेना चुना सांब। कदाचित यदि तुमने अपने मित्र वीर ऋषसेन को उस युद्ध में प्रदर्शन करते देखा होता, तब तुम्हें ज्ञात होता कि वीरता की वास्तविक परिभाषा क्या होती है सांब। यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता, किंतु नहीं, तुम तो मदिरा के मध्य में स्वयं के जीवन को धीरे धीरे करके मार रहे हो। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। बात पिताश्री, पिताश्री मैं क्षमा। लक्ष्मणा, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं पुत्री, भोजन नहीं कराओगी? जी पिताश्री। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मणा को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करो। क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का सांब, केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। अपने क्रोध को शांत करो सांब। कैसे करूं मैं खुद को शांत? पिता होकर सदैव मेरा मस्तक तू
दूसरों के सामने झुकाता है, और आज आज भी तो यही किया उन्होंने। लाओ, मुझे तो उम्मीद। लो पियो। भोजन आराम कीजिए पिताश्री। पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? युद्ध में क्या हुआ था? निसंदेह तुम्हारे पिता एक वीर और कुशल योद्धा थे पुत्री, और उन्होंने युद्ध में अलौकिक साहस दिखाया। निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा गदाधारी इस संसार में और कोई नहीं था पुत्री। यदि ये सत्य है तो उन्हें ये संसार छोड़ के क्यों जाना पड़ा पिताश्री? हमारे कर्म और हमारे चयन हमारी नियति निर्धारित करते हैं। कुछ भावों में और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे कि जुआ और मदिरा, ये व्यसन पहले लुभाते हैं और बाद में हमारे ही नाश का कारण बन जाते हैं पुत्री। लो मित्र, पियो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, किंतु चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। कैसा मनोरंजन? लक्ष्मणा, सदैव स्मरण रखना पुत्री, जब जब मनुष्य पर मद और जुए का प्रभाव बढ़ेगा, तब तब वो अपने पग अपने पतन की ओर बढ़ाएगा। संभल कर मित्र, आज का विनोद तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट बाहर कर ले जाएगा। एक मतदान व्यक्ति सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना भूलता है, उनका अपमान करता है, उनका उपहास बनाता है, और उसके पश्चात वहीं से उसका अंत प्रारंभ हो जाता है। है महान ऋषि, सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई
तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे। फोन क्यों है महाराज, बताइए मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री, आप रुक क्यों गए? चूंकि जिसे रुकना चाहिए था वो नहीं रुका। लगता है तुम्हें हमारे बंदी ग्रह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र, शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापिस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम, इस पाखंडी से क्षमा मांगो? ये पाखंडी है, अरे कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ साम, वो अब होगा। साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री, कदाचित मैं तुम्हें कह सकता सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया, क्या वो क्षमा के योग्य है? कृति वर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में यह सब हुआ और तुमने सांब को रोकने का प्रयास नहीं किया? क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। सात दिन बाद आ, 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 आ,
सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो, अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का शराब मुझे लग गया है। आज सातवां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक एक सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.